ये है वक्त मीडिया। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं खास इंफॉर्मेशन। आप सबको बता दें कि जनाब रोहित कुमार मीत साहब, जिनका ताल्लुक लखनऊ से है, उन्होंने नाबीना लोगों के लिए यानी ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि में पहली शायरी की बुक को तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो नाबीना लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए अब तक मार्केट में कोई शायरी की किताब नहीं थी। आप और हम तो शायरी की किताब को पढ़कर शायरी का मज़ा लेते हैं, कविताओं का मज़ा लेते हैं, लेकिन जो देख नहीं पाते उनके लिए अब तक ऐसा नहीं था। तो जनाब रोहित कुमार मीत ने अपनी मेहनतों से इस किताब को लॉन्च किया है और रोहित कुमार मीत के इस नए काम को सपोर्ट किया है जश्न अदब ने। जी हाँ, जश्न अदब जैसा कि आप जानते हैं पोइट्री और लिटरेचर को प्रमोट करता है, तो जश्न अदब ने रोहित कुमार मीत के इस नए काम को प्रमोट करने के लिए अपने फिफ्थ इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल के थर्ड फेस में उनके द्वारा तैयार की गई किताब को रिलीज किया। हम आपको बता दें कि नाबीना लोगों के लिए ये पहली किताब है शायरी की। इस किताब में उर्दू के मशहूर शायर जनाब बशीर बद्र साहब की गज़लें हैं और हिंदी के जाने माने कवि हास्य व्यंग के राजा जनाब पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब की कविताएं भी हैं। तो दोस्तों आइए ये वीडियो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं जश्न अदब के सेक्रेटरी, खूबसूरत शायर, आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब के पास। दोस्तों ये जो चहलकदमी शुरू हो गई है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इससे पहले कि हम किशोर आपा को यहाँ बुलाएं, अशोक जी की जो किताब, रोहित ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मैंने पहले भी इब्तदाई जब आगाज़ में अर्ज़ किया था कि नाबीना लोगों के लिए उन्होंने ब्रेल लिपि में किताब, अशोक जी की किताब और बशीर बद्र की किताब का एक संकलन, अशोक जी की किताब है ज़रा मुस्कुराते दे और बशीर बद्र की गज़ल की एक संकलन है जो है घर छोड़ के मत जाओ, उसको उन्होंने पब्लिश किया। बहुत बड़ा काम है। आप लोग सोचें कि नाबीना लोगों को एक रोशनी देना, वो यही उनकी रोशनी है। और मैं जहांगीर मीर साहब, कारी साहब, सिराज साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी स्टेज में आए, इसको रिलीज़ करना है। किशोर आप जरा आ गए, अशोक जी, डॉक्टर साहब आप, फरज साहब तशरीफ लाएँ, आप सभी लोग आए। बहुत नेक काम है दोस्तों, आप लोग इस शख्स के लिए जो लगा हुआ है, जिसने एक बहुत मुख्तलिफ बात, मैं गुजारिश करता हूं कि इस बुक को रिलीज करें। और आप लोग इस्तकबाल करें इस नए कदम का, इस मुबारकबाद पेश करें रोहित मीत को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, सो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। जी बहुत नेक काम है दोस्तों। बहुत शुक्रिया, आप सभी आजाद अपना अपनी जगह पर। जी भाई रोहित मीत साहब, ये आपने मुझे हिला दिया, ये आपने एक चौंका दिया मुझे, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा काम किया है। अभी मैंने ज़रा देर आंखें बंद करके इसमें उंगलियां फिराने की कोशिश की, मैं उन उंगलियों को प्रणाम करता हूँ जो हमें पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत बड़ा काम है।
میرے خیال میں اس کی سراہنا اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک بار کھڑے ہو کے آپ سبھی حضرات کھڑے ہو کر اس کام کی سراہنا کیجیے اور تالیاں بجائیے، یہ بہت بڑا کام۔ اگر یہ میری ساری کتابیں بھی چھاپنا چاہتے ہیں تو میں اپنی رائلٹی چھوڑتا ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ بہت شکریہ حضرات۔ تشریف رکھیے حضرات، آپ تشریف رکھیے۔ آخری مرحلے پر ہیں، ہم غزل کے مقطع کے اوپر آ گئے ہیں۔ جی ہاں، ہم ایک ایسی شاعرہ کی جانب چلتے ہیں جو ہم سب کے لیے اس آج کی صدر مشاعرہ ہیں۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے روہیت کمار میر صاحب کا کارنامہ، واقعی وہ تعریف کے لائق ہیں اور ان کے اس کارنامے کو جشن ادب نے سپورٹ کیا۔ اور آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن دوسروں تک پہنچائیں۔